नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई एट द इंस्टेंस व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी हैज अ वेलोसिटी वी एज शोन सवाल ये फोर्स ऑन द चार्ज क्या होएगा और चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे ऑप्शन है अलोंग ओ वाई अपोजिट टू ओ वाई अलॉन्ग ओ एक्स या फिर अपोजिट टू ओ एक्स आगे बहुत सिंपल सवाल है बेसिक्स पे जाएगा सवाल ये है कि ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें मान लीजिए करंट आई है और यहाँ पे आपका कोई पी पॉइंट है उसकी इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी है सो so, सवाल ये है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमें वैल्यू नहीं बतानी सिर्फ डायरेक्शन बतानी है पहली चीज़ तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर करंट आई है तो अगर आप पाम रूल लगा रहे हैं तो ठीक है इस जगह पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रॉस यानी कि इनसाइड होगी बिकॉज करंट आई है अगर पाम रूल लगाएं आ, तो पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में दूसरा फिंगर्स आपकी उस डायरेक्शन में जहाँ पे वैल्यू आपको बतानी है और आपके पाम की हथेली की डायरेक्शन बताएगी कि आपके थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है सो ये आपकी बी की वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई अब अपने को पता है कि जो अपना फोर्स होएगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा क्यू वी क्रॉस बी नाउ यहाँ पे क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में V क्रॉस B की डायरेक्शन ही आपकी फोर्स की डायरेक्शन होएगी अगर आपका चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन बदल जाती ये चीज़ आगे के लिए ध्यान रखिएगा तो इस केस में V क्रॉस B की डायरेक्शन करनी है अगेन पाम रूल लगाएं मैं आपको दोनों रूल सिखा देता हूँ पहले पाम रूल दूसरा राइट हैंड रूल कर लेंगे तो पाम रूल से पहले वैक्टर की तरफ वी वैक्टर की तरफ अंगूठा दूसरा बी वैक्टर की तरफ आपने फिंगर्स की और यह आपके हथेली की डायरेक्शन ऊपर गई तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि फोर्स की आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड्स ये फोर्स हो जाएगा इसी को अगर हम राइट हैंड थम रूल से करें तो पहले वेक्टर की तरफ ये आपकी राइट हैंड फिंगर गई इंडेक्स फिंगर जिसको तर्जनी भी बोलते हैं इंडेक्स फिंगर ये गई दूसरा फिंगर जो ये आपकी मिडिल फिंगर होती है ये इनसाइड गई और अंगूठा आपको बताएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन एफ़ की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी सो बेस्ड ऑन बोथ हम ये कह सकते हैं कि एफ़ की डायरेक्शन आपकी एफर्ड्स होएगी और एफर्ड डायरेक्शन ओ वाई है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए अलॉन्ग ओवाई ओ वाई वुड बी द राइट आंसर